नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों की ऐतिहासिक जीत, हर मांग के आगे झुकी सरकार। सुधा भारद्वाज जेल से बाहर आई मगर बंदिशें बरकरार। एसडब्ल्यू नेटवर्क के पत्रकारों की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एनसीईआरटी ने ट्रांसजेंडर बच्चों पर छपी रिपोर्ट वापस ली। मद्रास हाईकोर्ट ने जाहिर की है निराशा। और कोरोना अपडेट में देश में 24 घंटों में 9,419 नए मामले। सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जन आंदोलन की सबसे बड़ी जीत के बारे में। 13 महीने से जारी किसान आंदोलन के आगे आज केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह झुक गई और किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। किसान आंदोलन अब 11 दिसंबर से खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे सभी धरना स्थलों को भी खाली कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने लेटर हेड पर किसानों को लिख कर दिया है कि वो किसानों की सभी मांगों को मानने को तैयार है। सरकार अब एमएसपी पर बनी कमेटी में किसान संगठन के नेताओं को शामिल करेगी और अभी जो एमएसपी दी जा रही है उसे भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी, उनको मुआवजा भी मिलेगा। और बिजली बिल विधेयक पर भी सरकार ने यह कहा है कि किसान नेताओं से राय मशविरा करने के बाद ही उस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही पूरे देश में किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा। किसान संगठनों ने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत तो बताया ही है, साथ ही देश और विदेश से जितने भी लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया था उनका भी शुक्रिया अदा किया है। कल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इससे एक दिन पहले ही आज वकील सुधा भारद्वाज 3 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद रिहा हो गई हैं। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में सुधा को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, मगर ये रिहाई कई बंदिशों के साथ आई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने कल सुधा का बेल ऑर्डर जारी किया था जिसमें 16 शर्तें रखी गई थी और इन शर्तों के तहत सुधा को मुंबई से बाहर जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। वो इस मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हैं और यह भी कि उनसे जो मिलने वाले हैं उनके रिश्तेदारों के अलावा ज्यादा लोग उसमें नहीं हो सकते हैं। इस मामले में अभी गौतम नवलखा, सुरेंद्र गाडलिंग सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से वरवरा राव अभी स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं। फादर स्टैन स्वामी की तो जमानत के इंतजार में ही जेल के अंदर मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की खबरों पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये जो याचिका थी वो मीडिया कंपनी थियोस कनेक्ट, जो कि डिजिटल न्यूज पोर्टल एसडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क का संचालन करती है, इसके 2 पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा और इसकी एसोसिएट एडिटर आरती घारगी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए स्वर्णा झा और समृद्धि पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इन दोनों पत्रकारों ने एसडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की तरफ से त्रिपुरा में हुई जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसकी रिपोर्टिंग की थी, जिसके चलते त्रिपुरा पुलिस ने उन पर यह एफआईआर दर्ज की थी। और आगे बात एनसीईआरटी के बारे में। मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जेंडर नॉन कन्फर्मिंग और ट्रांसजेंडर बच्चों पर एनसीईआरटी की जो रिपोर्ट छपी थी उसको हटाने पर अपनी निराशा और पीड़ा जाहिर की है। इस रिपोर्ट का नाम स्कूली शिक्षा में ट्रांसजेंडर बच्चों का समावेश, चिंताएं और रोडमैप था, जिसको प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों के भीतर बाहरी दबाव के कारण हटा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को पिछली समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की अगली तारीख पर एक सिफारिश पेश करने को भी कहा है और अदालत ने यह तर्क दिया है कि कुछ हलके जो अभी भी LGBTQIA+ समुदाय को मान्यता देने में संकोच करते हैं उनके विरोध की वजह से एक एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती है। और आखिरी में बात कोरोना वायरस की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 9 दिसंबर को जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 9,419 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस बीच 159 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 8,251 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,009 मामलों की बढ़ोतरी देखी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की अब कुल संख्या बढ़कर 3,46,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं कोरोना पीड़ित करीब 3,40,00,000 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 94,000 हो गई है। वहीं वैक्सीन की बात करें तो देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 130 करोड़ 38 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं,
जिनमें से करीब 80,86,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। आज के न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए, हमको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।